अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स लर्न विद देम। आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आज की वीडियो के अंदर हमने अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उसका इंटीरियर है, जो उसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, हम उन स्ट्रक्चर्स को जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थ के टॉप पर जो हमारे पास कवरिंग मौजूद है, लेयर मौजूद है, उस लेयर को हम जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है वो क्रस्ट कहलाती है। इसका टेम्परेचर जो है वो 30-35 degrees इतना इसका टेम्परेचर है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है बाकी लेयर्स की तरह। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 5 to 60 kilometers तक है, यानी कि ओशंस पर इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, वहाँ 5 kilometers हो जाती है, और जो है लैंड एरिया पर इसकी जो चौड़ाई है वो 60 kilometers तक भी जा सकती है। अब ये टॉप लेयर है, क्रस्ट है, इसके नीचे ही इसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लिथोस्फेयर है और फिर उसके नीचे एस्टिनोस्फेयर है। एस्टिनोस्फेयर के अंदर कुछ हिस्सा क्रस्ट का आता है और कुछ हिस्सा मेंटल का आ जाता है। मेंटल जो है वो सेकेंड लेयर है अर्थ की, क्रस्ट के नीचे वाली, वो जो है हमारे पास सेमी सॉलिड स्टेट में मौजूद है, यानी कि वो सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं, दरमियान, यानी कि जो मिक्सी स्टेट है हमारे पास, उसका टेम्परेचर हमारे पास 1000 degrees से जो है स्टार्ट होता है, यानी कि 1000 degrees से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसका है। वहाँ पर हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स का प्रोसेस होता है। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं? कन्वेक्शन करंट्स होते हैं कि हमारे पास जब किसी भी लिक्विड के अंदर हीट जो है वो पास करती है तो वो कंटेन हो सकती, वो हमारे पास कन्वेक्शन की फॉर्म में जो है हीट उस पर मूव करती है। वो कन्वेक्शन किस तरह से होती है कि हमारे पास जो है डेंसर ठंडी चीज़, डेंसर लिक्विड जो है वो सिंक कर जाता है बॉटम पे, और जो हमारे पास लेस डेंस लिक्विड है वो जो है वो राइज करता है। जिस तरह के अगर आप पानी को उबालते हैं तो आप देखते होंगे किस तरह से पानी मूव कर रहा होता है, कि कुछ उसका ऊपर वाला पानी सिंक कर रहा होता है, नीचे वाला राइज कर रहा होता है। ऊपर वाली लेयर सिंक कर रही होती है, नीचे वाली राइज कर रही होती है, यानी कि जो फ्लेम के करीब होती है वहाँ से पानी ऊपर की तरफ उठता है, और जो ऊपर पानी ऑलरेडी मौजूद होता है वो नीचे सिंक कर जाता है। ये कन्वेक्शन करंट है। यही सेम प्रोसेस हमारे पास जो है मेंटल के अंदर हो रहा है, कि हीट जो है वो राइज करती है, मैग्मा जो है लावा इसको हम बोलते हैं उसको, जो अगर वो अर्थ के अंदर हो तो वो मैग्मा कहलाता है, बाहर आ जाए तो वो लावा बन जाएगा, लावा कहेंगे हम उसको। तो अब जब वो जो उसके वजह सेम कन्वेक्शन करंट हो रहे हैं, वो जो ऊपर वाला जो ठंडा है वो नीचे जाके सिंक हो जाता है, नीचे वाला जो हॉट है वो हमारे पास ऊपर राइज करता है। इनके ही हमारे पास एक मूवमेंट हो रही है जो कि जारी रहती है। इसकी वजह से हमारे पास टॉप पे जो क्रस्ट है उसकी कुछ क्रस्टल प्लेट्स होती हैं, उनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ दूसरी वीडियो के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। तो वो क्रस्टल प्लेट्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है। बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हमारा क्रस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सी मूवमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो माइनर जो है वो मेजर में कन्वर्ट हो जाती है। कि अगर वो जो है फिंगर नेल्स की तरह ग्रो कर रही है, जितनी स्पीड से फिंगर नेल्स ग्रो करते हैं, लेकिन अगर मिलियन साल्स की हम बात करें तो वहाँ पर वो जो हमारे पास माइनर मिलीमीटर्स की मूवमेंट है वो कितने हज़ारों किलोमीटर्स की बन जाएगी। तो ये इसके बाद हमारे पास नीचे मेंटल के बाद है आउटर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, और इसका टेम्परेचर हमारे पास तकरीबन 4460 degrees इतना है तकरीबन इसका आउटर कोर का टेम्परेचर हमारे पास। अब आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और इनर कोर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, और उसका टेम्परेचर 5000 degrees से भी ज़्यादा है। अब ये ज़रा एक सोचने की बात है कि हमारे पास आउटर कोर जो है एक हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और टेम्परेचर मज़ीद बढ़ रहा है और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा क्यों है? इस तरह है, ये जो है ये प्रेशर की वजह से है, कि उसके ऊपर हमारे पास जो इनर कोर है प्रेशर लग रहा है बहुत ज़्यादा। पूरी जो अर्थ है उसका अगर आप वेट आपको निकालें तो आप अंदाज़ा कर लें कि उतना ज़्यादा वेट जो है हमने आउटर कोर पर डाला हुआ है। अब हीट है, उसके पार्टिकल्स एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जगह फैलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि वो जो है अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे। लिक्विड पार्टिकल्स तो कितना जो है हमारे पास मूव करते हैं, उनकी नेचर जो है बड़ी मूव कर सकते हैं, उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि इतने टाइटली पैक नहीं होते। इस मज़ीद आप डिटेल जानना चाहते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अब जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है अर्थ का, अर्थ की जितना भी ऊपर सारी लेयर्स मौजूद हैं उन सब का इनर कोर पे, कि वो जो है एक्सपेंड करना चाह रहा है लेकिन वो एक्सपेंड कर नहीं सकता क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।